लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं इस बार बजरी माफिया का पूरा ऑपरेशन कर दूंगा राजस्थान के अंदर। ये तय है, जिस तरह नदी का स्वरूप बिगाड़ के 20-20 मीटर नदी को खोद दिया, जिस तरह 50 रुपए 100 रुपए टन की बजरी माफिया ने 700-800 रुपए में बेची है, फर्जी रवाना कहाँ का, बजरी कहाँ की, अंडरलोड ओवरलोड, सबसे बड़ा राजस्थान के अंदर कोई घोटाला है वो बजरी का घोटाला है। हम ईडी दफ्तर का जयपुर में घेराव करेंगे और इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पूरी कांग्रेस सरकार गोद में बैठी है और पहले वसुंधरा की पूरी सरकार बजरी माफिया की गोद में थी। ये तो कहता लोगों को कि मैं राज्यसभा में चला जाऊं, मैं कांग्रेस से लड़ूं, बीजेपी से लड़ूं, मैं शिवाना से लड़ूं, शेरगढ़ से लड़ूं या कुंभलगढ़ लड़ूं, बताओ। ये तो अपने आप टिकट खुद ही दे रहा है सब जगह, क्योंकि कुछ लोगों को रोजगार दिया होगा, रोजगार दे के कुछ लोगों ने लोगों के साथ अन्याय करके इसके साथ खड़े हो गए। कैसे कैसे वीडियो डाल रहे हैं बताइए, जातिवाद के वीडियो। अरे हनुमान बेनीवाल जातिवाद थोड़ी कर रहा है इसके अंदर। मैं ये कह रहा हूँ बजरी माफिया आज ही ऐलान कर दे कि मैं राजपूत समाज को फ्री बजरी देता हूँ तो मैं मेरा आंदोलन कल ही वापस ले लूंगा। चलो कराओ बजरी माफिया से, कराओ से, कराओ से। तो राजपूत का ट्रक आएगा वो 40,000 का आएगा, ब्राह्मण का आएगा 40,000 का आएगा। ब्राह्मण का ट्रक पकड़ा जाएगा, एनजीटी 5 लाख की पेनल्टी करेगी। मेघवाल का पकड़ा जाएगा 5 लाख की करेगी। जाट का पकड़ा जाएगा, बिश्नोई का पकड़ा जाएगा 5 लाख 2 लाख 3 लाख। अरे इसके अंदर कौन सा जातिवाद आ गया भाइयों, ये तो बताओ मुझे, कौन लड़ेगा इस राजस्थान के लिए? सारे सारे अगर गोदी में जाके बैठ गए तो लड़ने वाले भी चाहिए, नारे तो लगाते हैं पर ये वीरों की धरती है, सूरवीरों की धरती है। कहां गए वो वीर, कहां गए सूरवीर राजस्थान के? एक व्यक्ति है जिसने पार्टी बना के संदेश दिया मैं लड़ूंगा इस राजस्थान के लिए, चाहे कितना ही बर्बाद हो जाऊं तो आपके मान सम्मान को ठेस नहीं लगने दूंगा। लड़ाई का परिणाम कुछ भी हो इस राजस्थान का मान बढ़ाऊंगा। और दिल्ली के अंदर एक चर्चा चली जब सरदार शेर का चुनाव था, दिल्ली में चर्चा चली कि भाजपा को आसानी से आरएलपी आने नहीं देगी राजस्थान के अंदर, नहीं तो बीजेपी इकतर पा रही है। इस बात को अगर थामा किसी ने, रोका इस तूफान को रोका, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने तूफान को रोका। अशोक गहलोत जी कितने विज्ञापन दे दे, आ तो मैंने भी गहलोत की तरह लगा रखा है ना, कितने विज्ञापन दे दे, कितनी रात की बात कर ले, मैं उनसे मांग करूंगा कि अगर असली राहत देना चाहते हो तो बजरी का ठेका निरस्त करो और किसान के खेत में रेत बजरी चाइना क्ले जिप्सम और तेजा पत्थर या लाइम स्टोन निकलता है, तुरंत खनिज नीति में बदलाव करके आदेश करो कि जिस किसान के खेत में बजरी निकलती है वो अपनी माइंस कल ही बनाना चालू करे। ये आदेश राजस्थान की सरकार करे तब मानेंगे कि अशोक गहलोत राहत दे रहा। हम चाहते हैं, बड़ा उत्साह दोरीमना इलाके के अंदर था और जितनी भी हुंकार और बजरी के खिलाफ ललकार और हल्ला बोल कार्यक्रम हुए राजस्थान के अंदर, शुरुआत डूंगरगढ़ से हुई, डूंगरगढ़ के बाद रिया, रिया के बाद कोलायत, बिफरजोई की वजह से टोंक की रैली हमने स्थगित कर दी थी, कोलायत के बाद भीलवाड़ा, आपका हमारा जो कार्यक्रम था परसों 22 तारीख का नौर के अंदर और 24 का दोरीमना और 26 को गढ़सणा के अंदर, 20 दिन के अंदर लगभग 8 से 9 विशाल रैलियां और हल्ला बोल के कार्यक्रम आप लोगों ने किए। लेकिन अभी तक जितनी रैलियां हुई उनमें सबसे ज्यादा जोश जुनून और सबसे ज्यादा संख्या कहीं है वो धोरीमना की धरती पर है। ये मैं नौजवानों को इस बात की बधाई दूंगा।